अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अंडे आलू का कोरमा बनाना सिखाऊंगी अपने स्टाइल में। चले तो हम कोरमा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये हम आपको पहले बताते हैं। हमने 8 अंडे लिए हैं जो कि हमने पहले से इसको बॉयल कर लिया है, और 400 ग्राम आलू लिया है, इसको भी छिलका उतार के इसको भी हल्का बॉयल किया है। मसाला बनाने के लिए 2 मीडियम साइज की प्याज है जिसको हमने बारीक काट लिया है, 2 टमाटर है इसको भी बारीक काटा है, 1 बल्ब लहसुन का है और 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है, ये भी मैं मसाले में डालूंगी। उसके बाद हसबे ज़ायका नमक है, 1/2 चम्मची हल्दी है, 1 चम्मची पिसा हुआ जीरा है, 1 चम्मची लाल पिसी हुई मिर्च है, और कलर के लिए मैंने 1 चम्मची कश्मीरी मिर्च लिया है, और 1/2 कप मैंने दही लिया है। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया काटा हुआ है 1 मुट्ठी है ये, और 3-4 मिर्चें हैं ये भी मसाले में जाएंगी। और इसको बनाने के लिए ये कुकिंग ऑयल है। अंडे और आलू का कोरमा बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियो आपको पहले देखने को मिलेगी। आप लोग कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे साथ हैं। इसी तरह आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी, मैं नई से नई रेसिपी बना के आपको दिखाती रहूंगी। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे, फिर प्याज को, ये बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इससे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। एक मिनट हुआ है प्याज को ऐसे फ्राई होते हुए, तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक डालती हूँ। हरी मिर्च भी डल रही है, लाल मिर्च भी है। अच्छा, लाल मिर्च और मिर्च जो भी है वो टू टेस्ट आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी फ्राई होने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसको 2 से 3 मिनट हो गया फ्राई करते हुए, अभी 1/2 मिनट मैं और इसको फ्राई करूँगा, थोड़ा सा कलर हल्का सा चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको रेड पे नहीं लाना है। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, अब मुझे इसको निकालना है। प्याज मैंने निकाल दिया है, अब इसी तेल में हम ये टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, फिर मैं इसको साथ मिला के पीसूंगी। बहुत से लोग टमाटर को छिलका उतार के डालते हैं, मैंने छिलका अभी नहीं उतारा है, बारीक कटा हुआ है तो जल्दी पीस भी जाएगा और जल्दी घुल भी जाएगा। टमाटर भी हमने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई किया है, अब मैं इसको निकालती हूँ। टमाटर भी मैंने फ्राई कर लिया है, अब इसको मैं पीस के लाती हूँ, फिर मसाला तैयार है। मैंने पीस लिया है, अब मैं इसको डालती हूँ। इसको ज़्यादा पानी की पीसा है, इसको मैंने पीस लिया है और इसमें 1 चम्मची नमक डाला है। आप नमक टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे पास मीडियम ही नमक खाया जाता है। अब मैं इसमें मसाला डालना शुरू करूंगी। ये लाल मिर्च है, ये सफेद जीरा है, ये हल्दी है। अच्छा, अंडा भी मैंने हाफ बॉईल किया है, फुल नहीं किया है। फुल करने से अंदर से जल्दी इसकी काली होने लगती है। हाफ किया, हाफ ऐसा रखा है कि हाफ जाए फिर मसाले के अंदर पक जाएगा, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें 1/2 कप दही है ये डाल, ये मसाला मिक्स हो गया। अब मैं इसमें आलू डालूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसमें और थोड़ा इसको ढक के रखूंगी। अच्छा, पानी जो है मैं गर्म डालूंगी, ठंडा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालू। आलू को डाले हुए 7 मिनट हो गया है, अब ये अंडे डाल दे रही।
अटैचमेंट हो गया है, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। अब इसमें मुझे शोरबा लगाना है, आप शोरबा भी अपनी पसंद से जितना चाहे कर सकते हैं। बाद लोगों को जरा भुना भुना हुआ अच्छा लगता है, मुझको थोड़ा सा पतला हो, बहुत पतला भी नहीं, थोड़ा पतला हो। और ये पानी मैंने इसमें गर्म करके डाला, कच्चा पानी नहीं डाला है, उससे टेस्ट चेंज आ जाता है। अब इसका बॉयल आ जाए तो फिर मैं थोड़ा सा दम पे रखूंगी इसको। आलू इसका गल गया है, हाफ बॉयल किया था मैंने आलू को भी। और अब ऊपर से इसमें हरा धनिया डालती हूँ। अंडे आलू का कोरमा तैयार होने में ऑल टुगेदर 40 मिनट लगा है। चलो तो फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखा। आलू अंडे का कोरमा तैयार हो गया है, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब आपको हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। मैं इसको प्लेन राइस के साथ खा रही हूँ, आप लोग इसको पराठे के साथ या नान के साथ, जिसकी आप जैसे मर्जी आपकी हो, आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए मैं आपको इसको आलू को टेस्ट करके दिखा रही हूँ ना कैसा गल गया है, भाई अंदर अंदर इसका इसकी शक्ल कैसी आ रही है। और अंडे को भी कैसे काट के दिखाती हूँ आपको, ये भी देखिए। ज़्यादा मैंने इसको ज़्यादा बॉयल नहीं किया था, अगर ज़्यादा बॉयल करती तो ये अंदर से थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, वो मज़ा नहीं देता है। चलो मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत मजे का है, बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। और हरा धनिया की खुशबू तो इसमें बहुत अच्छी आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। जाएं आप लोग भी इसको ट्राई करें और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा बना। चलती हूँ फिर नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।